सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी हम जस्ट खड़गपुर से निकले फ्यूल अप करके, और अभी अपनी जो आज की ट्रिप है ये जा रही है कोलकाता के लिए। मतलब हम है कोलकाता में, बस कुछ लगभग 120 किलोमीटर्स दूर है। सो अभी हम मेन सिटी में एंटर करेंगे। सो कुछ 120 किलोमीटर्स दूर है, हम कोलकाता में जा रहे हैं न्यू टाउन में। और न्यू टाउन जा रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे है वर्ल्ड्स बिगेस्ट इको पार्क, जो कि 29 दिसंबर 2012 को खोला गया था अपने कोलकाता के सीएम ममता बनर्जी जी ने खोला था। सो अभी ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट इको पार्क है और ये कुछ लगभग 480 एकर्स में फैला हुआ है पूरा। सो अभी बस जा रहे हैं ये इको पार्क विजिट करने के लिए। और अपना मेन रीज़न ये इको पार्क विजिट करने का है क्योंकि वन डे, सो वहाँ पे एक्चुअली 7 वंडर्स बनाए गए हैं। और 7 वंडर्स यानी अपने जो दुबई के 7 वंडर्स है उसके छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स वहाँ पे बनाए गए हैं। सो हमें वही विजिट करना है, सो इसीलिए हम जा रहे हैं इको पार्क। सो अभी बस चलते हैं आगे एंड आपसे मिलते हैं। तो यहीं तक अभी देखते देखते हमने कुछ लगभग 30 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिया है। सो अभी जस्ट और 10-15 किलोमीटर में हम बागनान पहुंचने वाले हैं एंड देन वहां से और 60 किलोमीटर्स। सो अभी फ़िलहाल अगर मैं इको पार्क की बात करूँ तो ये जो इको पार्क है ये वर्ल्ड बिगेस्ट इको पार्क है, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है अपने इंडिया में। सो यहाँ पे बहुत सारी घूमने वाली चीज़ें हैं, जैसे 7 वंडर्स हो गई और भी बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ है, वाटर स्पोर्ट्स है, बहुत कुछ है। सो एक्चुअली ये इतना बड़ा है कि यहाँ पे टोटल 5 गेट्स है, जिसमें से गेट नंबर 1 जो है, सो अगर बात करें गेट नंबर 1 की, तो यहाँ पे गेट नंबर 1 पे आपको आईफिल टावर, जापनीज फॉरेस्ट एंड वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। और गेट नंबर 2 पे टॉय ट्रेन राइड है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे भी है। एंड देन बात करें गेट नंबर 3 की, तो वहाँ पे मिस्ट गार्डन, चिल्ड्रन पार्क, बस यही है। एंड गेट नंबर 4 पे आपको 7 वंडर्स एंड बाइक और कार की पार्किंग मिलेगी। और जो गेट नंबर 5 एंड 6 है, यहाँ पे आपको बसेस का, टैक्सीज का, कैब्स का वगैरह सबका पार्किंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर यहाँ पे बोले तो यहाँ पे टोटल लगभग 5 गेट है। सो वैसे तो हम भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं घूमने के लिए, बट अपने कुछ लौंडे हैं यहाँ पे जिन्होंने इतना बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। सो अभी बस चलते हैं आगे एंड देखते हैं। अभी फ़िलहाल एक तो हम बागनान क्रॉस कर रहे हैं, सो अभी यहाँ से हमें थोड़ा बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे यहाँ से अभी जो है स्पीड कैमरास वगैरह सब चालू होते हैं, सिग्नल्स चालू होते हैं। सो नेशनल हाईवे है बट यहाँ पे सिग्नल जो है स्पीड कैमरा जो है उसको थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा, कहीं यहाँ पे ये ना पड़ जाए है ओवर स्पीडिंग वगैरह का फाइन ना लग जाए। एक तो यहाँ के रूल्स अपन को मालूम नहीं है क्योंकि हम मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब ये साइड पे बाइक चला रहे हैं, सो हमें यहाँ के कुछ रूल्स वगैरह मालूम नहीं है। सो बस थोड़ा देख के थोड़ा गाड़ी चलाना पड़ेगा। सो फिलहाल यहाँ पे पूछते देखते, यहाँ पे एक सिविल वॉलंटियर है सो उनसे लेते थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। हावड़ा सीधा है ना? हावड़ा हावड़ा सीधा सब ब्रिज चल सकते, कोई ऐसा ब्रिज नहीं है ना जहाँ पे बाइक नहीं चल सकता? बाइक हर ब्रिज पे चल सकता है ना? सब ब्रिज पे चलेगा ना बाइक? ओके। सो यहाँ पे हमें एक ट्रैफिक सिविल वॉलंटियर मिल गए थे, सो उनसे हमने पूछा कि जैसे अपने मुंबई में यहाँ पे कैसा है कि ब्रिजेस वगैरह चढ़ने को नहीं मिलता है कोई कोई ब्रिजेस, सो वही हमने पूछा कि यहाँ पे जितने ब्रिजेस हैं अपन को सब चढ़ने मिलेंगे वगैरह, या कोई ब्रिजेस ऐसे जहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है। सो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे हर एक ब्रिज पे बाइक्स अलाउड है, यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है, बस थोड़ा हमें स्पीड कैमरास वगैरह देख के चलाना पड़ेगा एंड सिग्नल्स देख के चलाने पड़ेंगे।
सो बस अभी चलते हैं आगे एंड आपसे मिलते हैं। सो अभी देखते देखते हम इस ब्रिज पे पहुंच चुके थे और मुझे तो लगा कि ये जो लोकेशन है अपना ये अपन को हावड़ा ब्रिज पे होते हुए लेके जा रहा है, बट एक्चुअली मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये कौन से ब्रिज से लेके जा रहा है। सो अभी जस्ट सामने आके देख रहा हूँ तो ये हुगली ब्रिज निकला। सो मतलब हावड़ा ब्रिज जो है वो यहीं पर लेफ्ट साइड में दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो कि यहीं पर लेफ्ट साइड में हावड़ा ब्रिज है, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से दिख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत दूर है। तो अभी कुछ नहीं, अभी यही ब्रिज से चलते हैं, देखते हैं रिटर्न आते वक्त अगर अपन हावड़ा ब्रिज से आ सके तो लेते हैं वहाँ के थोड़े बहुत शॉट्स, या फिर अभी क्या ही करें। तो वैसे तो मेरा प्लान था कि आज रात को यहीं पे रुकने का, बट घर पे थोड़े बहुत फंक्शन वगैरह चल रहे हैं सो जाना ही पड़ेगा, घर पे रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेट्रोस का एंड देन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यहाँ पे ही कोलकाता में ही ट्राम चल रहा है अभी भी। सो बस वो ट्राम्स वगैरह क्लिप लेना था, बट हम ये नहीं कर पाएंगे, ट्राम्स वगैरह में मेट्रोस में घूम नहीं पाएंगे। सो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब घूम लेंगे। सो ये जो सामने बस जा रही है, लगता है ये बस में किसी का पंगा हो गया क्योंकि 5-6 लोग मिलके एक जन को मार रहे हैं। सो अभी बस वो लोग, यही जो अभी लोग उतरे हैं ये लोग है वो 5-6 लोग जो एक जन को मार रहे थे। सो अभी फिलहाल हम चलते हैं बस के पीछे पीछे क्योंकि अभी हमें सियालदा एग्जिट करना है और हम जा रहे थे कोलकाता, और भाई हम पहुंच गए सियालदा। और उसका प्रॉब्लम है ये, मेरा जो पीछे पिलियन राइडर मेरा भाई बैठा है ये प्रॉब्लम है, अगर ये मेरे को पहले ही बोल देता कि इसको गूगल मैप यूज़ करना नहीं आता है तो भाई मैं पहले ही गाड़ी पे मोबाइल माउंट लगा लेता, मोबाइल होल्डर लगा लेता जिससे कि मैं मैप्स वगैरह देख सकता था। भाई क्या ही बताऊँ, ये बंदा इतना बड़ा नूब है, इसको गूगल मैप्स यूज़ करना नहीं आता, अगर ये पहले बोल दे तो फिर अच्छा रहता क्योंकि अभी एक घंटा पूरा घूमना पड़ेगा। 30 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर का पैच था, ब्रिज था, वो हमने छोड़ दिया है। सो अभी हमें वापस 30 किलोमीटर घूम के हमें जाना पड़ेगा कोलकाता इको पार्क। सो अभी चलते हैं आगे। सो अगर आपको सामने दिख रहा होगा तो ये जो राउंड सामने है ये इसका नाम कुछ तो बांग्ला बिस्वा गेट है। सो ये एक्चुअली वॉकिंग के लिए बनाया गया है आई गेस, अभी कुछ मालूम नहीं, इतना आइडिया नहीं है। सो अभी बस हम चलते आगे इको पार्क की ओर, और यहाँ से बस अभी लगभग कुछ 5 मिनट का रास्ता बचा है। सो आखिरकार हम इको पार्क पहुँचने ही वाले, इतनी काफ़ी मशक्क़तों के बाद हम इको पार्क पहुँच गए, इतनी प्रॉब्लम हुई है भाई रास्ते में क्या ही बताऊँ। एक तो मेरा बॉडी पेन अभी चालू हो गया है, कब से बाइक राइड कर रहा हूँ कुछ 4 घंटे होने जा रहे हैं क्योंकि भाई लगभग 3 घंटे लगते हैं पहुँचने के लिए, बट 1 घंटा हम सियालदा में घूम गए थे। सो बस अभी चलते हैं इको पार्क एंड देन घूमते हैं एंड आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। आशीदा सर, इको पार्क इको पार्क आपकी कौन नंबर गेट है सर? कितना नंबर गेट में जाना है आपको? दो नंबर गेट हुआ जिसमें बाइक पार्किंग नहीं। अच्छा, बाइक पार्किंग कहाँ पे? आपको 3 नंबर गेट की बाइक पार्किंग होगा। तो वो कहाँ पे? सामने सीधा जाइए, आगे वाला मिस्ट्री हब हो, मिस्ट्री हब को पाएगा कट ऑफ मिलेगा और हुआ बाइक पार्किंग। ओके सर, थैंक यू। भी मिलेगा। ओके सर। पहुँच गए हैं। ओके, सो ये रहा मेरे लेफ्ट साइड में इको पार्क गेट नंबर 1। अभी बस हम सिग्नल पे खड़े हैं
ये सिग्नल क्रॉस करने के बाद आगे गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 ऐसे आएगा। सो हमें गेट नंबर 3 में जाना है, क्योंकि ये गेट नंबर 3 में जो है मिस्टी हब है, एंड मिस्टी हब के पीछे ही बाइक पार्किंग है। सो अभी फिलहाल चलते हैं गेट नंबर 3 पे, एंड देन बाइक को पार्क करते हैं, एंड देन चलते हैं अंदर पूरा घूमते हैं। एक्चुअली टाइम भी अपने पास ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ 4 से 5 घंटे ही बाकी है, उसके बाद ये पार्क भी बंद हो जाएगा। मिस्टी हब बाइक पार्क, स्कैनर, कैश। सो काफ़ी मशक्कत के बाद आखिर हम आ ही चुके हैं, और यहाँ पे आपका स्वागत है इंडियाज बिगेस्ट इको पार्क। सो अभी चलते करते हैं एंट्री। एंट्री है यहाँ से? जी हाँ, वो टिकट लगेगा ना। हाँ भाई, इधर से सीधा जाए, राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट पे। अच्छा, आइए जा आना। सो अभी पहले अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, चलते लेते टिकट।